To begin the proceedings, may I request the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to deliver his statement to the press. Your Excellency, Pradhan Mardi Anna Solberg, Norway se ha, aaye sabhi vishisht atithigan, friends, pichle varsh Stockholm mein jab main Pradhan Mantri Solberg se mila tha, to maine unhein Bharat aane ka nimantran diya tha, aur mujhe prasannta hai ki aaj mujhe भारत में उनका स्वागत करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री जी की यह पहली भारत यात्रा है और इसलिए भी विशेष है कि आज वे रायसीना डायलॉग के उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगी। इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। फ्रेंड्स, 2017 में G20 समिट के समय जब मैं प्रधानमंत्री सोलबर्ग से मिला था तो उन्होंने मुझे एक फुटबॉल भेंट किया था। वैसे तो पिछले वर्ष फुटबॉल की दुनिया का जाना माना गोल्डन बॉल ये पुरस्कार नॉर्वे की महिला फुटबॉल खिलाड़ी आदा हेगरबर्ग को मिला है और इसके लिए मैं नॉर्वे को हार्दिक बधाई देता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फुटबॉल मुझे दी थी उसका मायना कुछ और था। वह फुटबॉल खेल के गोल की नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रतीक थी। प्रधानमंत्री सोलबर्ग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाने की दिशा में वैश्विक प्रयासों को बहुत प्रोत्साहन दिया है। अपनी इस यात्रा में प्रधानमंत्री सोलबर्ग ने भारत में नॉर्वे की नई ग्रीन एम्बेसी का उद्घाटन भी किया है और इसलिए प्रधानमंत्री जी के वैश्विक प्रयासों के लिए मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूं वो कम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भारत के विकास लक्ष्यों से भी पूरी तरह मेल खाते हैं और हमारे लिए यह प्रसन्नता का विषय है कि दोनों देश मिलकर नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के विषय पर सफल सहयोग कर रहे हैं। फ्रेंड, भारत और नॉर्वे के संबंधों में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का अहम महत्व है। नॉर्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने भारत में लगभग $12 बिलियन का पोर्टफोलियो निवेश किया है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के साथ नॉर्वे की 100 से भी ज्यादा कंपनियां के प्रतिनिधि भारत आए हैं। कल इंडिया नॉर्वे बिजनेस समिट में उनका भारत के बिजनेस लीडर्स के साथ उपयोगी इंटरेक्शन हुआ है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में पोर्टफोलियो निवेश और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोनों में नॉर्वे की कंपनियां भारत की अपार संभावनाओं से लाभ उठाएगी। विशेष रूप से सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में शिप बिल्डिंग, पोर्ट्स और पोर्टलेट डेवलपमेंट में नॉर्वे की कंपनियां के लिए बहुत अवसर बन रहे हैं। फ्रेंड, इसी से जुड़ा हुआ विषय है ओशन इकोनॉमी। भारत के विकास और समृद्धि के लिए यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत की लगभग 15% जनसंख्या कोस्टल जिलों में रहती है। उनका जीवन एक प्रकार से सीधे रूप से ओशन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है और यदि अप्रत्यक्ष रूप को देखें तो भारत के कोस्टल राज्यों की जनसंख्या 500 मिलियन से भी अधिक है और ओशन इकोनॉमी के विषय पर नॉर्वे की महारत का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि नॉर्वे के निर्यात में 70% हिस्सा नॉर्वे की सामुद्रिक इंडस्ट्री का है और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि आज हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग का एक नया आयाम हमारे संबंधों में जोड़ा है। हमारा द्विपक्षीय ओशन डायलॉग
इस क्षेत्र से जुड़े सभी सेक्टर्स में हमारे सहयोग को दिशा देगा। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत और नॉर्वे का आपसी सहयोग बहुत ही मजबूत है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिंग और आतंकवाद जैसे अनेक विषय हैं जिन पर हम दोनों बहुत करीबी सहयोग और समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। आज हमने अपने सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा की और इन्हें नई ऊर्जा और दिशा देने के विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की। एक्सलेंसी, आपने भारत आने का मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए मैं एक बार फिर आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज शाम रायसीना डायलॉग में आपका संबोधन सुनने के लिए हम सभी बहुत उत्सुक हैं। मैं आशा करता हूं कि आपकी यह भारत यात्रा बहुत ही सुखद और सफल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।